सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को और नए नए वीडियोज पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। झारखंड की पहचान जंगलों और झरनों से होती है और उसी के सिलसिले में ये वीडियो उसी झरने को लेकर है। चाईबासा का एक प्रसिद्ध झरना जिसको लुपुंगुटू के नाम से जो भी जानते हैं, लुपुंगुटू झरना, ये एक ऐसा झरना है, अनोखा झरना, जो कि पेड़ के तनों से पानी बहती है। यानी कि ऐसा नहीं कि झरना ऊपर से आए और पानी गिरता रहे, ये वैसा झरना नहीं है बिल्कुल भी। ये बस नीचे से जो तना होता है वो तना से ये पानी निकलता है। तो चलिए देखते हैं क्या है, कैसा है, चलिए चलते हैं, आपको दिखाते चलें। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, उन्हीं ये जितने भी सारे पेड़ हैं उन्हीं के तनों से यहाँ पे पानी रिसता है। आप देख सकते हैं कितना पानी भरा हुआ है, ये जितना पूरा साफ पानी है, बिल्कुल साफ। यहाँ पे बगल में ही एक स्कूल है, स्कूल के सारे बच्चे यहाँ घूमने भी आते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा पानी साफ, एकदम नीट एंड क्लीन, ऐसा पानी ढूंढने से भी मिलती नहीं है। यहाँ पे नहाने के लिए भी घाट भी बनाया गया है। चलिए थोड़ा सा इस पार आ गए हैं, ये पुलिया को पार करते हुए, ये पुलिया है, यहाँ से नीचे से पानी बहता है और हम लोग पुलिया को पार करते हुए अभी इस तरफ आ चुके हैं। देखते हैं इधर क्या है, कैसा है। हम लोग उस तरफ जा रहे थे लेकिन उधर क्या है कि कुछ लोग यहाँ पे आज के शौच कर लिए हैं, जिसके वजह से उधर जाना दूभर है। ये मेरा फ्रेंड है राजकुमार कैवर्त। हेलो राजकुमार। हाय। बहुत दिनों बाद मिले हुए हैं। तो एक्चुअली कोल्हानी यूनिवर्सिटी में इसका कुछ काम था तो मुझे सुबह सुबह कॉल किया कि चलो चलते हैं, थोड़ा चाईबासा घूम के आते हैं। तो मैं भी फ्री था तो बोले चलो चलते हैं। तो उसी के सिलसिले में मेरा भी घूमना हो गया। देखिए कितना साफ पानी है, यहाँ के लोग, यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो यहाँ का पानी पीते हैं, है ना। मेरा फ्रेंड बोल रहा है कि वहाँ का व्यू अच्छा है। चलो देखते हैं कैसा है व्यू। ओह माय गॉड, आप बिलीव नहीं करेंगे, देखिए पानी कहाँ से आ रहा है, कहाँ से रिस के आ रहा है पूरा। पूरा का पूरा एकदम पेड़ के तनों से निकल के पानी और ये नाले पे आ रहा है। एक्चुअली ये गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है इसको। यहाँ पे पीक सीजन में काफ़ी भीड़ होती है और ये एक देख सकते हैं यहाँ भी एक घाट बनाया गया है। इतना साफ पानी देख के मेरा फ्रेंड उतर चुका है, देखिए। वाह, अब मैं भी ये नेचुरल पानी पीऊंगा। नेचुरल जगह पे आज के अगर मैं यहाँ का कुछ महसूस ना करूँ, कुछ अडॉप्ट ना करूँ तो कैसे चलेगा। तो मैं इसी पानी को अब पीना चाहता हूँ। मेन वर्सेज वाइल्ड। बहुत ही साफ पानी है, एकदम फिल्टर होके पानी आ रहा है। अब पी के देखता हूँ, मिनरल वाटर फेल है इसके आगे, सच में। बहुत ही साफ पानी है। देखिए कितना साफ पानी है, पता ही नहीं चल रहा कि ये पानी तनों से रिस के आ रहा है, एकदम बहुत ही साफ पानी है।
यहाँ पे देखिए सारा पानी यहाँ पे, यहाँ से 1, 2, 3, 4 चार और इस तरफ से भी पानी रिस के सारा पानी इस नाले पे जा रहा है। देखिए मतलब ये एक अद्भुत है, इसको शेयर करना वायरल करना जरूरी है। ये झारखंड का चाईबासा से लगभग 6 to 7 किलोमीटर दूरी पड़ता है। वहाँ पे आके आप लोग यहाँ पे नेचुरल देख सकते हैं कितना अच्छा है। इसी के थ्रू ये पानी जो है यहाँ से जो बोतल या फिर कुछ लाते हैं उसी से भरता है। और देखिए पानी कैसे रिस रहा है यहाँ पे। अब नीचे आ जाओ। ओह माय गॉड, मतलब अद्भुत है। यहाँ पे लोकल ने पत्ते भी दे रखे हैं। बहुत ही साफ पानी है भाई। आप पानी भरेंगे? आप लोग यहीं का पानी पीते हैं? अच्छा तो आप इस झरना के बारे में कुछ बताएंगे? आप उधर देख के बता सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत पहले से ही 2014 से आप यहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ खास सीजन में यहाँ पे भीड़ होता है कुछ पिकनिक वगैरह? यहाँ पे पिकनिक में ज़्यादातर भीड़। अच्छा, जनवरी फरवरी ये सब में ना, दिसंबर से फरवरी तक। तो यहाँ का लोकल जितने भी है सब यहाँ का पानी पीते हैं? गाँव वाला सब सब यहीं का पानी। अच्छा, जो जो रूम रेंट में रहता है वो लोग। तो आप यहाँ पे पढ़ाई करते हैं या यहीं पे रहते हैं? कॉलेज कर रहे हैं। अच्छा, ये सेंट जेवियर्स कॉलेज में। तो आपको बता दें यहाँ पे बगल में सेंट जेवियर्स कॉलेज है। तो भाई साहब मिल चुके हैं यहाँ के, तो बता रहे हैं कि 2014 से यहाँ पे हैं। और यहाँ का ठंडा का सीजन में गर्म लगता है। अच्छा, और गर्मी के सीजन में ठंडा लगता है। खास बात ये है कि यहाँ का भाई साहब बता रहे कि यहाँ ठंडा के दिनों में यहाँ का पानी गर्म रहता है और गर्मी के सीजन में ठंडा रहता है। ये तो अद्भुत बात है। और ये पानी कहाँ से आ रहा है कुछ बता सकते हैं इसका? कहीं कुछ आइडिया नहीं है ना? आइडिया हम लोग को भी पता नहीं चल रहा है कहाँ से आ रहा पानी है। तो ठीक है, आप भरिए। थैंक यू। तो देख चुके आप लोग यहाँ का नेचुरल सोर्सेस। एक और एक खास बात ये भाई साहब ने बताया कि यहाँ का पानी अगर कोई पीता है तो बीमारी भाग जाता है। ये तो अद्भुत बात है, मतलब कितना शुद्ध स्वच्छ पानी है यहाँ का। देखिए नेचुरल, ना कोई टंकी, ना कुछ ऊपर में, ना कुछ तालाब है, ना कुछ है। आपको एक बार ऊपर भी दिखा दूँ तो यहाँ पे कोई भी ऊपर तालाब वगैरह कुछ नहीं है। वरना आप लोग बोलेंगे कि ऊपर कुछ तालाब है, डैम है, नदी है, उसी का पानी रिस के आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। चलिए आपको दिखा दूँ। थोड़ा सा दौड़ना पड़ रहा है मुझे। ये देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने बैठने के लिए भी जगह बना दिए हैं। और देखिए इस तरफ कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ तालाब, नदी, झरना ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ है इधर ही है। तो काफ़ी देख चुके, घूम चुके, और एक्चुअली और भी दिखाता मैं, लेकिन यहाँ पे जो लोकल महिलाएं हैं वो उस तरफ नहा रही थी, जिसके वजह से मैं उधर जा नहीं पाया। तो अगली बार अगर आऊँगा तो आप लोगों को ज़रूर उस तरफ का भी आप लोगों को व्यू दिखाऊँगा। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। बाय बाय।